أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع مرة انتهي قابل احترام حضرت مولانا مفتی عبد الرحیم صاحب حضرت مولانا مفتی محمد صاحب حضرات اساتذہ کرام میرے عزیز طالب علم ساتھیوں اور معزز حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی نے آج اس مبارک جامعۃ الرشید میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی. میں الحمدللہ پہلے بھی حاضر ہوتا رہا ہوں اور حاضری کے ساتھ ساتھ جامعۃ الرشید نے زندگی کے مختلف شعبوں میں جس طرح دین کی خدمت کرنے کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے اور جس طرح مختلف جہتوں سے مختلف پہلوؤں سے خدمات کی جا رہی ہیں وہ حقیقت یہ ہے کہ ان کے لیے تعریف کے الفاظ ناکافی ہیں. میں ہمیشہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کاوشوں میں برکت خلوص اور تاثیر پیدا فرمائے. حضرت مولانا مفتی عبد الرحیم صاحب اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں علم میں عمل میں کاموں میں برکات عطا فرمائے. اللہ نے ان سے بیک وقت اتنے شعبوں میں کام لیا ہے کہ اس کی نظیر ملنی مشکل ہے اور اس وقت جس توجہ کے ساتھ فکر کے ساتھ امت مسلمہ کی رہنمائی کے لیے ان کے مختلف شعبے کام کر رہے ہیں وہ ہم سب کے لیے قابل رشک بھی ہیں اور ہم سب کے لیے قابل فخر بھی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان میں دین دنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. جس فکر کو لے کر وہ چل رہے ہیں وہ در حقیقت ایک بڑی ضروری اور اس کے ساتھ ساتھ انتہائی نازک اور پرخطر قسم کی فکر ہے. الحمدللہ مجھے اس کا اندازہ ہے کہ انہیں اس فکر کی ابعاد کا بھی اس کی نزاکتوں کا بھی اور اس کے خطرات کا بھی الحمدللہ اندازہ ہے اور اس وجہ سے الحمدللہ اس بات پر اطمینان ہوتا ہے کہ وہ انشاءاللہ اپنے مقصد میں اپنی منزل میں کامیاب ہوں. فکر یہ ہے کہ الحمدللہ انگریزوں کی اس بر صغیر پر تسلط قائم کرنے کے بعد مسلمانوں کے دین کو جو عظیم خطرہ لاحق ہوا تھا اور مسلمانوں کے دل سے دین کو کھرچنے کا جو سلسلہ شروع ہوا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے مقابلے کے لیے ہمارے اکابر علماء دیوبند کو پیدا فرمایا. انہوں نے پیٹ پر پتھر باندھ کر روکھی سوکھی کھا کر موٹا جھوٹا پہن کر دنیا کے مفادات اور آسائشوں کو خیر باد کہہ کر انتہائی سادگی کے ساتھ وہ عظیم کارنامہ انجام دیا کہ جس کے طفیل آج ہم اور آپ یہاں پر مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں. حقیقت تو یہ ہے
कि अंग्रेज के आने के बाद एक तरफ ईसाई मिशनरियों का एक जाल था जो मुसलमानों को मुर्तद बनाने की फिक्र में लगी हुई थी, और दूसरी तरफ इल्हाद का एक सैलाब था, और बाकायदा ऐलान शुदा पॉलिसी थी कि हम इस कौम को ऐसा बनाना चाहते हैं कि जो अपने रंग के एतबार से हिंदुस्तानी हो लेकिन अपनी फिक्र के एतबार से, अपनी सोच के एतबार से यह अंग्रेज हो और इल्हाद की अलमबरदार हो। उस साजिश का मुकाबला हमारे हजरत अकाबिर उलमाए देवबंद ने अनार के नीचे एक सादगी के साथ एक दरख्त के नीचे बैठकर जो काम शुरू किया था, अल्लाह तबारक व तआला ने उसमें इतनी बरकत अता फरमाई और उसके नतीजे में अल्हम्दुलिल्लाह वो साजिशें मैं कहता हूँ नाकाम हुई कि इस बरसगीर के मुसलमानों के दिलों से ईमान को खुरच दिया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह अंग्रेज़ के इस्तेमार के दौरान भी और उसके बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह न सिर्फ ये कि मुसलमानों का ईमान महफूज रहा, इस्लामी उलूम महफूज रहे, और उसकी बदौलत अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास सही इस्लामी तालीमात पूरे एतमाद के साथ हम कह सकते हैं कि इन बुजुर्गों की काविशों के नतीजे में सही इस्लामी तालीमात हमारे पास मौजूद है। लेकिन सूरत हाल यह है कि जहाँ तक इस्लामी उलूम का ताल्लुक़ है और उसके उसमें तालीम देने वाले इदारों का ताल्लुक़ है, उसकी का अगर तनासुब देखा जाए पूरी आबादी में तो शायद 1% भी ना हो, और 99% अफराद जिस माहौल में तालीम पा रहे हैं, जिस हिसाब के तहत उनकी तरबियत हो रही है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अकाबिर के कोशिशों के नतीजे में दीन सिर्फ उलमा की हद तक नहीं, अवाम के अंदर भी उसके तहफ्फुज़ का इंतज़ाम किया गया है। लेकिन जो फिक्र इन नए तालीमी इदारों के अंदर दी जा रही है और जिस तरह के माहौल में उनकी तरबियत की जा रही है, वो दरहकीकत रफ्ता रफ्ता इंसान को रूहानियत से हटाकर मादियत की तरफ ले जा रहा है, रूहानियत से तवज्जो हटाकर मादियत की तरफ ले जाना ले जाने का एक माहौल है जो इन नए तालीमी इदारों के अंदर बन गया है। और वो माहौल ये है कि इंसान की सबसे बड़ी कामयाबी यह है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने की सलाहियत हासिल कर लें। अगर नए तालीमी इदारों के अंदर लोगों से पूछा जाए कि आप क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, तो मकसद ज़िंदगी ये है कि कोई अच्छी मुलाजमत मिल जाए, कोई अच्छा जॉब मिल जाए और उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मैं पैसे कमा लूँ। ये एक तसव्वुर है जिसके तहत ज़्यादातर तालीमी इदारे चल रहे हैं। बहुत से तालीमी इदारों का तो हाल यह है जो सरकार की इंतज़ाम में चलते हैं कि उनको तालीमी इदारा ही कहना मुश्किल है कि उसके अंदर न पढ़ाने वाला पढ़ाता है न पढ़ने वाला पढ़ता है, उनका तालीमी मैयार इंतहाई गिर गया है। और जो प्राइवेट तालीमी इदारे हैं उनमें अगरचे मैयार फिलजुमला बरकरार है, लेकिन ये जहनीत कि तालीम का असल मकसद ये है कि इंसान पैसा कमाए, और वो तालीम कारगर है जिसके ज़रिए इंसान को बेहतर मुलाजमतें मिल सकें, जिसके ज़रिए इंसान ज़्यादा पैसा कमा सके, लेकिन ये फ़र्द की तामीर, उसके अखलाक की तरबियत, आखिरत की फिक्र और अपने मुल्क व मिल्लत की खिदमत का जज्बा अगर इस नुक्ते नज़र से जायज़ा लिया जाए तो इन तालीमी इदारों के अंदर आम तौर से ये जज्बा नज़र नहीं आता। सारी कामयाबी यह है कि पैसे ज़्यादा मिल कहाँ मिलेंगे, लिहाजा अपना मुल्क छोड़ कर जाना पड़े तो मुल्क छोड़ कर चले जाएं। मुल्क में अगर ज़्यादा खिदमत के मौके हैं लेकिन पैसे कम मिलते हैं और दूसरे मुल्क के अंदर खिदमत के मौके मिल रहे हैं वहाँ पर पैसे ज़्यादा हैं तो ये छोड़ कर वहाँ चले जाएंगे। एक बिकाऊ माल है वो जो शख्स के
तालीम इदारे से फारिग हो रहा है, वह एक बिकाऊ माल है, जो ज्यादा बोली लगा दे वो उसे उठा कर ले जाए। ये एक तसव्वुर, ये एक ज़हनियत है जो मौजूदा तालीमी निज़ाम के अंदर पैदा हो रही है। और ये जैसे मैंने अर्ज किया कि तालीम के शोबे के लिहाज से अगर देखा जाए तो 99% आबादी इस ज़हनियत की तरफ जा रही है। नतीजा ये कि आज आप देख रहे हैं पाकिस्तान, हम अपने मुल्क के अंदर आज 69 साल हमें हो गए हैं, और इस 69 साल के अंदर वही नस्ल हमारे इख्तदार पर आई है जिसने के पाकिस्तान बनने के बाद तालीम हासिल की, इन इदारों के जरिए तालीम हासिल की। उनकी उनका क्या मेयार है, उनकी सोच का क्या मेयार है, उनके नस्बुल ऐन, उनके विजन का क्या मेयार है, उनके कारकर्दगी का क्या मेयार है, आप आंखों से देख रहे हैं। लिहाजा फिक्र यह है कि इस 99% आबादी को किसी तरह उस रास्ते से हटाकर और सही नस्बुल ऐन की तरफ लाए, किस तरह लाए। 99% आबादी जो इस मादियत के गर्दाब में मुबतला है उसको किस तरह इस तरफ लाया जाए कि वो दरहकीकत एक तरफ सही मुसलमान बने। हर शख्स का आलिम बनना जरूरी नहीं है, उलमा की एक मुतदबी तादाद अगर मौजूद हो तो ये फर्ज किफाया है और वो फर्ज किफाया अदा करते हैं, लेकिन मुसलमान बनना हर इंसान के लिए जरूरी है और हर इंसान का के ऊपर फर्ज आयन है कि वो इतना इल्म जरूर हासिल करे कि जिससे वो सही मुसलमान की जिंदगी गुजार सके और फिर अपने अमल और किरदार में मुसलमान बने। डॉक्टर हो तो मुसलमान डॉक्टर हो, इंजीनियर हो तो मुसलमान इंजीनियर हो, अगर कानूनदान हो तो मुसलमान कानूनदान हो, और जिंदगी के हर शोबे में वो मुसलमान अपने आप को पहले समझे और उसके बाद पे दूसरी बातें हों, और साथ साथ उसके अंदर जज्बा सिर्फ पैसे कमाने का ना हो। पैसा तो अल्लाह तबारक व तआला देने वाले हैं, वो उसका रिज्क मुहैया फरमाने वाले हैं, लेकिन उसका जो असल नस्बुल ऐन है वो पैसा ना हो, उसका असल नस्बुल ऐन ये हो कि मैं मुल्क व मिल्लत की खिदमत अंजाम दूँ, मेरी आखिरत दुरुस्त हो, मैं मुल्क व मिल्लत की खिदमत अंजाम देकर अपने लिए एक सदका जारिया पैदा करूँ। अभी कुछ दिन पहले मेरे सामने किसी ने मुझे दिखाया था कि एक मशहूर रहनुमा हैं, उन्होंने उलमा में से एक आलिम से सवाल किया कि भाई आप इतने दिनों से मदरसों के अंदर कोशिशें कर रहे हैं, तालीम दे रहे हैं, लेकिन ये बताइए कि इस पूरे अरसे में कितने साइंसदान आपने पैदा किए और कितने कोई ऐसे लोग पैदा किए कि जो कोई नई ईजाद करके जिन्होंने इंसानियत की कोई खिदमत अंजाम दी हो। जिन आलिम साहब से सवाल किया था उन्होंने कुछ जवाब दिया उसका, लेकिन मुझे हैरत है कि ये सवाल वो साहब कर रहे हैं कि जो खुद उसी निज़ाम के परवरदा हैं, इसी निज़ाम तालीमी निज़ाम के परवरदा हैं। हकीकी जवाब ये था कि जब अंग्रेज ने अपना कब्जा जमाया तो मुसलमानों को दो किस्म की हाजतें लाहिक थीं, एक ये कि उनका दीन बचाया जाए और उलूम दीन की हिफाजत की जाए, ये काम उलमाए देवबंद ने देवबंद के दारुलूम देवबंद में शुरू किया गया। एक ये था कि मुसलमानों को बाशी तौर पर मुस्तहकम किया जाए और वो मिल्लत के लिए कोई ऐसी तरक्की का रास्ता निकालें, वो अलीगढ़ ने शुरू किया। तो जिम्मेदारी जो उलमाए देवबंद ने ली थी वो ये थी कि मुसलमानों के दीन और ईमान का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह इस जिम्मेदारी को उन्होंने इस तरह पूरा किया कि आज अल्लाह ताला के फ़ज़्लो करम से बर्र सग़ीर में काल अल्लाह और काल रसूल की सदाएं गूंज रही हैं, ईमान मुसलमानों का महफूज है। लेकिन जो काम आपने अपने जिम्मे लिया था कि माशी तौर पर मुस्तहकम हो और ऐसे लोग पैदा करें कि जो दुनिया की इमामत का फरीजा अंजाम दे सके, तो ये सवाल तो आपको अपने आप से करना चाहिए कि हमने कहाँ से क्यों पैदा नहीं किए ऐसे लोग। ये उलमा से सवाल करने का क्या मतलब है। तो ये ऐसी एक कौम पैदा हो गई है कि
जिसको अकबर अलाहाबादी ने कहा था कि कर किलर की खा डबल रोटी खुशी से फूल जा, तो वो क्लर्क पैदा करने के लिए ये निज़ाम बनाया गया था, वो क्लर्क पैदा कर दिए उसने। और ये उसने कोई जिसे कहना चाहिए कि एक एहयाई फिक्र हो जो मिल्लत को आगे की तरफ ले जाए, इल्ला माशाल्लाह ऐसे अफराद उसमें पैदा नहीं हो सके। तो अब ये 99 फीसद लोगों को संभाल कर उनको उस रास्ते पर लाने के लिए कि वो मादियत के गर्दाब से निकलकर रूहानियत की तरफ मुंतकिल हों और पैसे के पुजारी बनने के बजाय मुल्क व मिल्लत के खादिम साबित हों, इस काम के लिए ज़रूरत है एक ऐसे निज़ाम तालीम की कि जिसमें तालीम आला मेयार की दी जाए लेकिन साथ साथ उनकी ज़हनियत, उनकी फ़िक्र, उनकी सोच, उनका मकसद ज़िंदगी वो सिर्फ पैसा कमाना ना हो बल्कि उनका मकसद एक तरफ अपनी आखिरत बनाना और दूसरी तरफ मुल्क व मिल्लत की तामीर हो, यह है फिक्र। और उस फिक्र के तहत अल्हम्दुलिल्लाह अब ये मुख्तलिफ हमारे दीनी मदारिस ने ही ये काम शुरू किया। असल में तो काम ये करने का था हुकूमती पैमाने पर और सरकारी पैमाने पर, वो अपने वसाइल के तहत काम करते लेकिन वो नहीं हुआ, तो अब खुद दीनी मदारिस ने यह जिम्मेदारी भी अल्हम्दुलिल्लाह अब रफ्ता रफ्ता कबूल करनी शुरू की है कि इस 99% आबादी को संभाल कर मादियत के गर्दाब से निकाल कर रूहानियत की तरफ लाया जाए। तो मैं समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह इसमें जामतुर रशीद ने बड़ी काबिल फ़ख्र और काबिल रश्क पेशरफ्त की है और मुख्तलिफ शोबों के अंदर उन्होंने इसको इस फिक्र को आम करने की वो कोशिश कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि फितनों का ज़माना है और इस वजह से जब कोई नई राह इख्तियार की जाती है तो उसमें दो चीज़ों को मद्देनज़र रखना होता है। एक चीज़ यह है कि जिसको अरबी में कहा जाता है असालत और हदासत, इन दोनों के दरमियान तवाज़ुन कायम रखना पड़ता है। यानी असालत के माना यह कि जो हमारे बुनियादी उसूल हैं, जो हमारे बुनियादी कवायद हैं, जो हमारी बुनियादी ज़हनियत है और जो हमारा बुनियादी मकसद है उसका पूरी तरह तहफ़्फ़ुज़ हो, असालत। और दूसरी तरफ हदासत, यानी इस काम के लिए जो जदीद तकाज़े हैं उन तकाज़ों को हुदूद में रहकर पूरा किया जाए। इन दोनों के दरमियान तवाज़ुन, असालत और हदासत, ऐसा ना हो कि हदासत जो है उस पर असालत कुर्बान हो जाए, ये ना हो कि हम हदासत की फिक्र में अपने असल मबादी को, अपने असल उसूलों को, अपने मकासिद को उसको कुर्बान कर दें। और दूसरी तरफ ये कि जब जो ऐसा भी ना हो कि हम एक काम में कदम आगे बढ़ाएं और वो बेढंगा हो और उसमें नज़्म व ज़ब्त ना हो, उसमें मेयार ना हो। लिहाजा दोनों में तवाज़ुन कायम करना ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है और इस चैलेंज को बग़ैर अल्लाह ताला की नुसरत के, अल्लाह ताला की मदद के, उसकी तौफीक के इस चैलेंज का मुकाबला नहीं किया जा सकता। लिहाजा हमें जब इस तरफ कदम बढ़ाएं तो हर कदम पर रुजू इल्लाह की ज़रूरत है, कदम कदम पर अल्लाह ताला से तौफीक मांगने की ज़रूरत है कि अल्लाह हम ये इस काम को करने जा रहे हैं, आप अपने फजल व करम से हमारी दस्तगीरी फरमाइए। ऐसा ना हो कि हमारे कदम कहीं फिसल जाएं, ऐसा ना हो कि हम कहीं भटक जाएं। ऐ अल्लाह हमारी रहनुमाई फरमाइए, हमारी हिदायत अदा फरमाइए। जब बंदा अल्लाह ताला की तरफ रुजू करके और रुजू करते रहकर काम करता है तो अल्लाह ताला की तरफ से मदद आती है। अल्हम्दुलिल्लाह इन्हीं उसूलों के तहत अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ काम हो रहा है और मैं दिल से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व ताला मज़ीद तौफीक से नवाजे और जिस तवाज़ुन की ज़रूरत है वो बरकरार रखते हुए इन मकासिद को पूरा करने की पूरी कोशिश की जाए और रुजू इल्लाह का एहतमाम किया जाए। मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह जब इखलास के साथ
इस काम को आगे बढ़ाया जाएगा तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से कबूलियत भी होगी और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से तौफीक और नुसरत भी हासिल होगी। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह।